नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम बना रहे हैं सीरीज अज्ञान का अंधकार, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। जो भी तथाकथित है, जो भी योग में, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक को लेके। और इस सीरीज में हम जान रहे हैं साधकों के प्रकार, कितने प्रकार के सीकर्स हैं, साधक हैं, और किस वजह से ये सारा सिस्टम चला हुआ है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल हमने जाना था कि जो भावुक साधक हैं, जो डिवोशनल जो प्रैक्टिशनर हैं, वो कैसे हैं। तो उससे थोड़ा सा जो कल की जो वीडियो थी उससे हो सकता है आप उनको देख के थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए हों, या कहीं ना कहीं आपको अंदर से थोड़ा आहत हुआ हो। लेकिन यहाँ हमारा एक हेल्दी वे में, हमारा टारगेट एक हेल्दी वे में डिस्कशन करना है और अपनी कमियों को दूर करना है। अगर आप उस कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप ऐड करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा देखो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट की संभावना जो है ना वो रहती है हर किसी में। और अगर थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस नहीं भी हुआ है थोड़ा सा आपको, तो फिर आपको जो क्रिटिक्स है यानी उस आलोचना आपको महसूस हुई है कि कुछ गलत हुआ है, या आपको लग रहा है कि कुछ धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमें फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि हमारी जो भावनाएं आहत हो गई हैं बहुत जल्दी, या जो हमारे अंदर का जो किसी के कुछ बोलने से अगर हम डिस्टर्ब हो गए हैं तो समझो कि वो अभी हमारे अंदर जो नींव है वो थोड़ी कच्ची है, उसको और मजबूत हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो यही है कि थोड़ा सा कहने से हम आहत हो जाएंगे, या थोड़ा सा सुनने से कुछ अपने ऊपर लेके चीज़ को पर्सनली ले लेंगे, यहाँ किसी को पर्सनली टारगेट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है जागरूकता फैलाना और असली धर्म का प्रचार करना, असली धर्म का प्रचार करना, असली आध्यात्मिकता का प्रचार करना, असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आप सब तक पहुँचाना, जो मेरे मैंने जो अपने जीवन में जाना है उस एक्सपीरियंस को शेयर करना। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने ऊपर सकारात्मक तरीके से आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ सीकर्स। फोर्थ टाइप ऑफ सीकर्स जो हैं वो हैं एक प्रकार से समझिए लाइफस्टाइल सीकर्स, मतलब उनको हमने एक नॉर्मल नाम दे दिया है। लाइफस्टाइल सीकर्स क्या है, इसमें दो कैटेगरी है। इसके अंदर हम कवर अप करते हैं उन साधकों को भी जो सिर्फ हेल्थ बेनिफिट के लिए, मतलब अपने हेल्थ के लिए, अपने मेंटल वेलनेस के लिए, जो सिर्फ उनका टारगेट जो है योग करने का, ध्यान करने का, वो सिर्फ इतना है कि उनकी मेंटल वेलनेस सही रहे, हेल्थ उनकी सही रहे, वो सिर्फ इस उद्देश्य के लिए करते हैं। उनका कोई गहरा उद्देश्य नहीं होता है, ना ही उनको आध्यात्मिकता से कोई लेना देना है, ना ही कोई खुद को जानने से कोई मतलब, ना कोई भगवान से कोई जोड़ते हैं वो, जो कि आजकल ये भी बहुत सारी चीज़ें, ये भी बहुत प्रचलित है कि सिर्फ अपनी हेल्थ वेलनेस के लिए आप योग और मेडिटेशन करो, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक रहे, फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रहे, यही आपका उद्देश्य है। दूसरी कैटेगरी वो है जो जिनको हम बोल सकते हैं मॉडर्न योगीज, मतलब ये लाइफस्टाइल सीकर के अंदर ही दोनों कैटेगरी आ गई। ये जो दूसरे जो मॉडर्न योगी हैं ये कैसे हैं, ये योग को मेडिटेशन को फॉलो करते हैं एक ट्रेंड की तरह, इनके लिए एक फैशन की चीज़ है। यानी ये सुपरफिशियल लेवल पर, बहुत ऊपर ऊपर के स्तर पर, दोनों ही ये कैटेगरी तो ऊपर ऊपर के स्तर पर थोड़ा इसको अभ्यास करते हैं, ओकेजनल अभ्यास करते हैं। दूसरे जो टाइप के हैं, जो मॉडर्न योगी जिनको हम बोले, वो करते कम हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, योग की बात ज़्यादा करते हैं, उस टाइप के उनको पसंद है उस प्रकार के फोटो क्लिक करवाना, यानी सोशल मीडिया के योगी हम बोल सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाना, वैसी ड्रेसेस पहनना, बढ़िया बढ़िया योगा मैट लेना, वो मतलब एक ट्रेंड की तरह फॉलो करते हैं, उनके लिए एक फैशन है ये। योगा करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल हो जाना, आध्यात्मिक हो जाना, जटाएं लगा लेंगे नकली की और वैसे कपड़े पहन लेंगे योगियों जैसे, मालाएं पहन लेंगे, तो थोड़ा सा एक माहौल मतलब कि हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर रहे हैं, स्टोरीज डाल देंगे, वो मॉडर्न योगी है। तो मॉडर्न योगी जो हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मॉडर्न योगी जो हैं वो थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पर ज़्यादा रहते हैं, और
अपनी एक इमेज क्रिएट करना उनका ज़्यादा फोकस रहता है, उनका ये फोकस ज़्यादा रहता है कि लोग मेरे बारे में सोचें, कुछ बाहर से कुछ दिखावा करना, अंदर से जो है वो थोड़ा सा उस चीज़ में डीप नहीं जा पाते, क्योंकि एक सात्विक अहंकार जो है कहीं ना कहीं एक ये जो ईगो जो है एक ऐसी चीज़ है, ये कहीं भी आप पर भी आपको पकड़ सकती है, बहुत गहरे जाके भी पकड़ सकती है और बहुत ऊपर से भी पकड़ लेती है। तो जब आप नए नए योगी होते हो तो फिर ये आपको पकड़ लेती वहीं से, तो आप वहीं पर अपना ट्रेंड फॉलो करना, फैशन वैसी पिक्चर्स डालना और वैसा सब जो भी रील्स बनाना, अपनी अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, इन सब चीज़ों पर ध्यान रहता मॉडर्न योगीज का। और जो लाइफस्टाइल योगी जो दूसरे टाइप के जो इसी कैटेगरी में है, वो अपने हेल्थ के लिए करते हैं, अपनी वेलनेस के लिए करते हैं, बाकी अपना साइड टू साइड अपना काम करते हैं, ज़्यादा दिखावा भी नहीं करते, वो अच्छे हैं वो भी, लेकिन वहाँ भी समस्या यही है कि वो बहुत गहराई तक नहीं जा पाते, वो सिर्फ मेंटल हेल्थ तक, स्ट्रेस मैनेजमेंट तक, या सिर्फ फिजिकल अपनी बीमारियों तक ही योग और मेडिटेशन को प्रयोग करते हैं, जबकि योग और मेडिटेशन बहुत डीप इफेक्ट बेनिफिट दे सकता है, तो उस बेनिफिट तक पहुंचने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं वो। और जो ट्रेंडी योगी हैं उनका तो वो तो और ऊपर रहते हैं, वो उतना अभ्यास भी नहीं करते जितना लाइफस्टाइल वाले करते हैं, वो तो बस उनको लिए उनके लिए दिखावा ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए रील्स बनाना, उनके लिए पिक्चर क्लिक करवाना, स्टोरीज डालना, बड़े बड़े कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल लिख देना, कोट्स लिख देना, ये सब चीज़ें उनका एक सिस्टम रहता है। प्रैक्टिशनर जो हैं वो थोड़े से कम ही रहते हैं। और अगर मान लो जो प्रैक्टिस कुछ ऐसे हैं कि भी इन्फ्लुएंसर भी हैं और वह प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छे भी हैं, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो उनका वही रहता है, एक सिस्टम दिखावा ज़्यादा रहता है। तो इनका दोनों का नुकसान यही है कि एक तो गहराई तक जाने में जो है वो, क्योंकि ऊपर ऊपर पर ज़्यादा ध्यान है ना, तो नीचे डेप्थ को नहीं खोज कर पाते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि इमेज कॉन्शियस होते हैं, इमेज पर उनको, इमेज बाहर बनाना, एक योगी की इमेज बनाना, वैसे कपड़े पहनना, वैसा मतलब एक बाहर की चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान रह जाता है फिर, तो उसकी वजह से भी अंदर नहीं अपने उतर पाते हैं, असली ध्यान या असली ऑथेंटिक योग ध्यान या आध्यात्मिकता को नहीं समझ नहीं पाते हैं या फिर अभ्यास नहीं कर पाते हैं। इस कैटेगरी के लिए जो है मेरी सलाह यही है कि आपका ये तरीका है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसको भी मैं ये नहीं कहता कि गलत है। अगर कोई लाइफस्टाइल के लिए कर रहा है, हेल्थ के लिए कर रहा है, मेंटल वेलनेस के लिए कर रहा है, किसी का नहीं है उद्देश्य जाना अंदर तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा पढ़ो और थोड़ा रियल उसकी एसेंस को समझो। मान लो आप जितनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत और ऐड करोगे, थोड़ा सा एफर्ट और ऐड करोगे, तो उसके और अंदर तक जा पाओगे, और ज़्यादा बेनिफिट, हेल्थ और मेंटल वेलनेस जो है और नेक्स्ट लेवल पर एनहेंस हो पाएगी आपकी। और जो ट्रेंडी योगी हैं, जो मॉडर्न योगी हैं, उनके लिए ये है कि वो दिखावा करें, कोई बात नहीं, दिखावा करना भी एक प्रकार का प्रचार प्रसार है, अवेयरनेस फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको देख के किसी और का भी मन कर रहा होगा कि चलो हम भी कुछ करते हैं, तो एक पॉजिटिव काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान दें। दिखावे के साथ बाहरी दिखावा कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंतरिक जो है एक हल्का सा एक स्पिरिचुअल एसेंस जोड़ के रखें, उस इमेज के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं करना है, और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा डीप करने के लिए जो भी लगातार अभ्यास आपको करने हैं, वो आप लगातार अभ्यास जो अपनी एक साधना जो है उसके साथ जोड़ के रखो। आप मान लो चाहे पूरे दिन रील बनाओ, पूरे दिन आप इंस्टाग्राम पर रहो, आप जो भी फेसबुक पर डालते रहो, कुछ भी करते रहो, कंटेंट क्रिएट करते रहो, लेकिन अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो एक घंटा, आधा घंटा, या जो भी आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ कर रहा है, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जरूर रखें। सेल्फ प्रैक्टिस आप 24 घंटे में एक बार कर लें, और उसके बाद आप 23 घंटे कुछ भी करते रहें। कुछ भी करने का मतलब है योग से रिलेटेड, आप बाहर भी कुछ फैशन भी बना रहे हो तो वो भी एक पार्ट है। जब प्रचार प्रसार हम कर रहे होते, उसको मैं गलत नहीं समझ रहा, बस गलत वो है जब हम उसी में फंस के रह जाते हैं। जब प्रचार प्रसार हमें करना होता है किसी एक, जैसे अभी अवेयरनेस क्रिएट करनी है मान लो योग की, तो उसमें हमें बाहरी उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, बाहरी दिखावे की भी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ट्रेंड भी चलाना पड़ेगा, वो आजकल का तरीका वही है,
किसी चीज़ की अवेयरनेस को फैलाने का। तो वैसा ट्रेंड करना, वैसा फैशन करना, उसके रिलेटेड वर्कशॉप, सेमिनार, क्लासेस, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं समय के हिसाब से, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से। आज ये सब चीज़ चलती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान दो और स्वाध्याय थोड़ा सा आप करें। स्वाध्याय जो है, जो ट्रेंडी योगी है, जो फिटनेस योगी हैं, उनके लिए तो उनको तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं और उसी में अपना अभ्यास करते हैं, अपना साइड टू साइड वो कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेंडी, जो स्टाइल वाला, जो योग वाले जो योगी हैं, इनका एक और देखा है मैंने कि ये शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। मतलब जो रियल जो लिटरेचर है उसको ना पढ़ के ये सब कुछ पढ़ते हैं इंटरनेट पर। अगर मान लो इनके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, उसको ढूंढते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको ढूंढते हैं गूगल के ऊपर। गूगल पर लिखे हैं आर्टिकल्स, किसने लिखे हैं? कोई मेरे जैसे ने लिखे हैं, आप जैसे ने लिखे हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। तो मैं उनको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फुल टाइम योग, आप एक आध्यात्मिक जर्नी बना भी ली है आपने और एक इमेज क्रिएट कर भी ली है, तो उस इमेज के ऊपर थोड़ा काम करो। रियल जो शास्त्र हैं, जो पतंजलि योग सूत्र है, हठ योग के जो रियल ग्रंथ हैं, जो जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड जो रिसर्च हैं, उनको थोड़ा पढ़ के उस फिर जो आप बात लिखेंगे, फिर जो आप सोशल मीडिया पर आप डालेंगे, वो थोड़ा ऑथेंटिक होगा। अगर मान लो इधर से उठा के कॉपी करके उधर पेस्ट कर दिया, तो वो उसका एसेंस आप तक नहीं जा पाएगा। मान लो आपने एक पुस्तक से, कोई असली ग्रंथ से कोई बात पढ़ी और फिर आपने उसको थोड़ा सा महसूस किया अपने अंदर और फिर आपने उसको पोस्ट किया, तो वो आपको भी काम आई और दूसरों को भी काम आएगी और अवेयरनेस फैलाने में ज़्यादा मतलब ऑथेंटिसिटी होगी उस बात में, और दूसरों को भी लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस पर मेहनत की है। अगर आपने एक नॉर्मल सुबह सुबह उठे, एक कोट इधर से गूगल से उठाया और उधर पेस्ट कर दिया और एक बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो लगा दिया, वो थोड़ा सा सुपरफिशियल हो जाता है और वो दूसरों को पता चल जाता है कि दिखावा ज़्यादा है, यहाँ हो कुछ नहीं रहा है। तो वो अगर आपका लंबे समय में, लंबे टाइम में जाके आगे बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंसर बनना है या उस दिशा में कोई और काम करना है, वो नहीं कर पाएंगे आप। वो समझ में आ जाता है, क्योंकि हर एक, जब आप एक शब्द भी आप अपनी इंटेंशन से लिखते हो, मान लो मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं बिना महसूस किए उस चीज़ को, बिना एक्सपीरियंस किए अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ पढ़ा जा रहा है और बोला जा रहा है। तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी लेके आने के लिए असली शास्त्रों का अध्ययन आपको करना है और उसके गहराई में उतरना है। और बाकी ट्रेंड फॉलो करो, नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नई चीज़ें बना सकते हो। वो भी समझो कि एक योग का एक पेड़ है, तो पेड़ की जड़ें हैं, जड़ों के साथ टहनियाँ हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी एक प्योरिटी आपको बना के रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड के नाम पे हम कुछ भी कर देते हैं, तो उस चीज़ में नहीं पड़ना है। थोड़ी ऑथेंटिसिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे पीछे मैंने देखा था बियर योगा, बियर और योगा का कोई मतलब नहीं। आप कुछ मॉडर्न ट्रेंड बना रहे हो, मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ स्टाइल बना रहे हो, कुछ कर थोड़ा सा इतनी एक जो उसकी ऑथेंटिसिटी तो थोड़ी बना के आपको रखनी पड़ेगी। शास्त्र को सेंटर में रख के फिर आप उसके आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब जैसे लाइफस्टाइल योगी है, अब जिनको सिर्फ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए करना है, तो उनको आप बहुत ट्रेडिशनल हठ योग नहीं भी कराओगे तो चल जाएगा। जैसे आजकल अष्टांग योग, पावर योग, विन्यासा, ये सब चल रहे हैं, तो उनके लिए हेल्थ बेनिफिट वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ऑथेंटिसिटी को, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, मॉडर्न चीज़ें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं गलत लगता पर्सनली, हो सकता है किसी को कोई कहे कि बिल्कुल शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही कराना चाहिए, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन तो समय के हिसाब से होता है। मैंने देखा है कि स्वामी स्वात्माराम ने जो हठ योग प्रदीपिका में लिखा है उसमें चेंजेस किए हैं महर्षि घेरण ने, उसके बाद भी जो आगे योगी आते गए हैं तो उन्होंने चेंजेस किए हैं अपने देश काल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन एक ऑथेंटिसिटी तो बना के रखनी पड़ेगी, असली ऐसा ना हो कि स्टैंड के चक्कर में असली एसेंस ही खो जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपने ऊपर अपनी गहराई बढ़ाने पर ध्यान देना है। सुपरफिशियल भी रहो और गहराई पर भी काम करो, और लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वाले जो हैं, वो भी थोड़ा सा अपना आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखो, खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके देखो। मतलब मेरी बात मत मानो, आप कोई योग से रिलेटेड जो अच्छी पुस्तक है उसका एक बार उसको रीड करके आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं
जो आपके काम में, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एनहेंस कर सकते हैं आप। सिर्फ बीपी शुगर ठीक करना, सिर्फ बीमारियां ठीक करना, वही एक पार्ट है योग का, लेकिन उससे भी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो उसका क्यों नहीं, जब आप समय दे रहे हो तो क्यों ना उसका पूरा ही बेनिफिट उठाया जाए। तो भी उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ उसमें को रीड कर सकते हो, कोई बुक रीड कर सकते हो, कोई उससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा कोर्स आप कर सकते हो, गीता का कोर्स कर सकते हो थोड़ा मेंटल डिसिप्लिन के लिए। तो फिर आप देखेंगे कि जो एक टेम्परेरी जो मेंटल हेल्थ है, मान लो आप प्राणायाम कर रहे हैं, टेम्परेरी मेंटल हेल्थ आपकी ठीक हो रही है, लेकिन जो एक एजुकेशन, जो योगिक एजुकेशन है, जब आप उस चीज़ को भी अपने अंदर धारण करोगे, तो एक जब बुरा टाइम है, जब अभ्यास नहीं कर पा रहे हो प्राणायाम का, तब भी आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब योग, आप योग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करोगे, तो आप लंबे समय में उस हेल्थ को सस्टेन कर पाओगे। और फिजिकल हेल्थ का भी आपको समझ में आएगा, भोजन इत्यादि क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, यम नियमों के बारे में थोड़ा सा समझो, तो वो समझ में आएगा, और एक ऑल ओवर आपका एक योगी वाला विजन जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो ये दोनों योगी हैं और अच्छे, मतलब लाइफस्टाइल योगी के अंडर ही इनको हम रखते हैं। तो दोनों को बस यही सलाह है कि थोड़ा गहराई में उतरें, बाहर के साथ साथ थोड़ा अंदर भी एक्सप्लोर करें, इतना ही है। और सात्विक अहंकार थोड़ा सा बचा के रखना है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो जाना और दूसरों की का वैलिडेशन चाहिए कि आप एक योगी दिखने चाहिए, वो एक टेम्परेरी सी चीज़ है और कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी तो ब्रेक होगी ही। आज कुछ ट्रेंड है, कभी ऐसा ट्रेंड होगा आप नहीं फॉलो कर पाओगे, तो आप पिछड़ा हुआ महसूस करोगे। तो थोड़ा समता का भाव रखते हुए, थोड़ा संतुलन का भाव रखते हुए फिर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल योगीज के बारे में है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें कुछ रहा हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम लोग इसको देखने वाले हैं। इसको वही देखेगा जिसके अंदर गहरी प्यास होगी, जो उस यात्रा पर होगा। जो यात्रा पर नहीं है उनको नहीं पड़ी है इस टाइप की वीडियो देखने की, उनके लिए बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत संसाधन हैं यूट्यूब पर भी, हर जगह सोशल मीडिया पर। उनको क्या पता है वीडियो, नॉर्मली तो मैं इन वीडियोस पर ऐड नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है यूट्यूब अपनी तरफ से ही कोई एक मिनट की वीडियो पूरी हो तभी कोई ऐड आ जाए और आपका ध्यान ही उसे एडवर्टाइजमेंट में और कुछ खरीदने पर पहुँच जाओ। तो ये फ्लक्चुएशंस हैं, थोड़ा मन को स्थिर करके अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और अपनी संभावनाओं को आप खोज पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर दें और आपके विचार जो हैं कमेंट करें, और जिनको ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की उनके साथ आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।